मोदी के 9 साल रहा बेमिसाल। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आइए आज आप सबको लेकर चलते हैं राजनीतिक खबरों की ओर। राजस्थान के पूर्व सीएम और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि मोदी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में देश की सूरत को बदलने का काम किया है। विभिन्न कार्यक्रमों से जनता को सीधे लाभ पहुंचाने का काम हुआ है। डिजिटल क्रांति के सहारे देश में बहुत बड़ी क्रांति आई है और हम दुनिया से सीधे कनेक्ट हो गए। जिस जनता के लिए मोदी जी ने अनवरत कार्य किए, अब आने वाले चुनाव में जनता को मोदी जी का साथ देना होगा ताकि देश और तरक्की कर सके। वे बुधवार को करणपुरा स्थित एक होटल में संवाद से संपर्क कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। कहा, देश की तरक्की की रफ्तार देख विकसित देश के लोग आने वाली सदी भारत के होने की बात करने लगे। उन्होंने डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। इन कार्यक्रमों से देश में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। इधर सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल आदि भाजपाइयों ने देवघर से आने क्रम में डाक बंगला स्थित गर्मजोशी से स्वागत कर कार्यक्रम स्थल पहुंचाए। इधर सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल ने राज्य सरकार की पोल खोलते हुए कहा कि राज्य सरकार से वर्तमान में जनता त्राहिमाम कर रही है। उन्होंने कहा कि 60-40 नियोजन नीति संबंधित केंद्र सरकार को विचार करने की जरूरत है। कहा, केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना का राज्य सरकार मजाक बना के रख दिया है। ईंटों और सीटों से बनाए बिना छत ढलाए, न रंग न रोगन और हो जा रहा है उद्घाटन। कहा कि किसान निधि, आयुष्मान भारत से केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं से जनता को राहत है। इधर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने मिडवे ग्रीन होटल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के 9 वर्षों के कार्यकाल से जनता को कराएं अवगत। कांडे विधानसभा क्षेत्र के बेंगाबाद आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई और उन्होंने कहा कि गिरिडीह के बेंगाबाद में राजस्थान की पूर्व सीएम के आगमन होने से भाजपा के कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उमंग और उत्साह देखने को मिला। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश भाजपा के बालमुकुंद सहाय, जमुआ विधायक केदार हाजरा, राकेश प्रसाद, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सोनूकांत, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, यदुनंदन पाठक, दिलीप वर्मा, महिला मोर्चा की शालिनी वैसखियार, पूर्व प्रमुख राम प्रसाद यादव, रंजीत मरांडी, अजय राणा, पूनम प्रकाश, मंडल अध्यक्ष पूजन राम, रामरतन राम, युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुधीर राणा, रंजन यादव, सुरेंद्र लाल, महेंद्र वर्मा, दशरथ सिंह, अंथोनी स्वामी, रंजन सिन्हा, पप्पू मंडल, राजू मंडल, महादेव वर्मा अहल्यापुर सहित अन्य भाजपाइयों ने पूरे उत्साह के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया का स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए कहा कि पार्टी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है। कहा कि इस महाजनसंपर्क अभियान को सफल बनाने में पार्टी कार्यकर्ताओं का सबसे अधिक योगदान देने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में मैं पीएम नरेंद्र मोदी के लिए जनता से समर्थन भी मांगना है। आइए देखते हैं इस दौरान किसने और क्या कहा। तो फिर बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। पूरी बता रही हूं कि किस तरीके से ये रेवोल्यूशन जो हुआ है, बहुत बड़ा क्रांति जो हुई है इस देश के अंदर, उसकी वजह से आज हम लोग सब वर्ल्ड सिटीजन बन गए, दुनिया के सिटीजन बन गए, और इसका धन्यवाद हम लोगों को मोदी जी को देना पड़ेगा। मैं मानती हूँ कि आज मैंने ये तीसरे एपिसोड में जिनके पास आने का, से मिलने का मुझे मौका मिला है, तो ऋषिकांत जी से, सुनील जी से, और आज अब आप अन्नपूर्णा जी से मिलने का मुझे, और इन्होंने भी जो कार्यक्रम किए हैं, चाहे वो रेल रोको मैंने आपके यहाँ रुकवाने का काम किया है, चाहे आपने स्टेशन के अपग्रेड कराए हैं, चाहे आपने केंद्रीय विद्यालय अपने यहाँ लाए हैं, चाहे आपने रोड्स, नेशनल हाईवेज जो बनाए हैं, चाहे आपने पीने के पानी का या सिंचाई के पानी का काम कुछ भी यहाँ कराया हो, ये सब चीज़ आपने किए होंगे, आई एम 100% श्योर। आप यदि कुछ मंत्री हो तो आपके खुद के विभाग के बहुत सारी चीज़ें यहाँ आई होंगी, तो कुछ तो आई होंगी, क्योंकि जो भी मंत्री होता है वो कुछ तो अपनी तरफ ला ही देता है।
सो इसलिए मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये जो भी काम हुआ है, MLAs भी लाए हैं, MPs भी लाए हैं, स्टेट गवर्नमेंट से नहीं मिला है, ये मिला है अपने को सेंटर से, पैसा आया है सेंटर से। इनफैक्ट जो मैंने पता किया, अगर अलग अलग जगह पे मेरे को यही बात आई कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे को रोकने का काम और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम को रोकने का काम इस सरकार ने किया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ तो क्या है कि उन्होंने पैसा भी यूज़ किया, सब कुछ यूज़ किया और नाम को बदल के अपना नाम बदल, तो अलग अलग तरीके होते हैं सरकारों के जो अपने नहीं हैं। उन्होंने तो लिया किया और नाम बदल के अपना अपनी और उसको ले लिया, इन्होंने तो यहाँ रोक ही दिया। इतना पैसा आ रहा है उसको अपने लोगों के भले के लिए इस्तेमाल करने की बजाय, ये बात आपको देखने को मिल रही है। मेरा सिर्फ आप लोगों को कहना है, 9 साल में एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री बन के हमारा इस देश का नक्शा बदल के रख दिया है। और इस देश का ही नहीं, आज दुनिया के अंदर हम लोग अपना सिर उठा के चल सकते हैं, क्योंकि भारत देश की पूछ है। बताइएगा किस चीज का यहाँ पर तैयारी चल रहा है, यहाँ पर सब लोग बॉर्डर पर हैं। जी प्रकाश जी बताइएगा। सांसद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी का आगमन हमारे गिरिडीह जिला में हो रहा है। हम लोग बॉर्डर पर उपस्थित हैं उनका स्वागत के लिए, और यहाँ के बाद फिर मिडवे मिल में उनका कार्यक्रम होगा, वहाँ के बाद फिर गिरिडीह में भी रात को विश्राम करेगी। उसके बाद कल कोडरमा लोकसभा स्तर का बगोदर स्टेडियम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेगी, उसकी तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं। और हम लोग बड़े ही उत्साह के साथ कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के तहत बगोदर स्टेडियम पहुंचेंगे और वसुंधरा राजे जी का संबोधन को हम लोग सुनेंगे, और उनका जो मार्गदर्शन होगा, जो नरेंद्र मोदी जी का संदेश है, उनको हम लोग सुन करके लाभ उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी का आगमन हो रहा है। अब बेंगाबाद मंडल, बेंगाबाद प्रखंड के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से वसुंधरा राजे सिंधिया जी का स्वागत करने के लिए हम लोग जुटे हुए हैं। आज हम लोग का कार्यक्रम बेंगाबाद प्रखंड चल करके कर्णपुरा पंचायत के अंतर्गत कार्यक्रम सुनिश्चित है। हम लोग का कार्यक्रम है संपर्क से समर्थन। संपर्क से समर्थन का मतलब यह होता है कि आम जनता जो विशिष्ट मतदाता है, जो प्रभावशाली मतदाता है, उनसे वसुंधरा राजे सिंधिया जी संवाद करेंगे, उनसे संपर्क करेंगे और संपर्क करके उनसे समर्थन की मांग करेंगे, क्योंकि पुनः नरेंद्र भाई मोदी 2024 में हम लोग की प्रधानमंत्री पुनः बन सके। रामरतन जी बताएंगे आज जो अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का आगमन होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा वहाँ के राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे वसुंधरा राजे जी का आगमन बेंगाबाद और गिरिडीह जिला में पहली बार होने जा रहा है। इसी की तैयारी के निमित्त हम लोगों ने बेंगाबाद का जो बॉर्डर है उसमें हम लोग उनको शानदार स्वागत के लिए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग तन मन धन से और देश की जनता लगा हुआ है और हम लोग भी लगे हुए हैं। जय हिंद। जी रंजीत जी बताइएगा स्वागत के लिए आप लोग यहाँ पहुँचे हुए। हम लोग आज गांडे प्रखंड के बॉर्डर पर आदरणीय राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी का स्वागत के लिए पूरे कार्यकर्ता तन धन के साथ खड़ा है। उनको इस गिरिडीह जिला के बॉर्डर पर पूर्ण स्वागत के साथ हम लोग यहाँ से लेके जाएंगे और कार्यक्रम स्थल करणपुरा में जो रखा गया है सभी कार्यकर्ताओं का संबद्ध है, उस संबद्ध तक हम लोग स्वागत करते हैं। जी बताइएगा आज का कार्यक्रम क्या है? आज हम लोग गांडे विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता डाक बंगला चौक पर खड़े हैं और आज हम लोग के बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय सिंधिया जी पहुंच रहे हैं और उनके स्वागत में हम लोग खड़े हैं। उनका पूरे झारखंड में तूफानी दौरा चल रहा है और देवघर दुमका विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर के कल हम लोगों का बगोदर में
बहुत बड़ा आम सभा होने जा रहा है, उसी कार्यक्रम में आ रहे हैं और आज दो तीन जगह पर प्रमुख जनों के साथ बैठक करेंगे और अपनी अपने बातों को रखेंगे। हम लोग इसके अनुसार आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और उनके दिए गए निर्देशों के अनुसार हम लोग काम करेंगे और उसका पालन करेंगे। स्वामी जी, आप पहुंचे हुए हैं यहाँ पर स्वागत के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे के लिए, बताएंगे क्या कहना चाहेंगे आज? आज हम लोग राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया गिरिडीह आ रही है, जिसको स्वागत के लिए हम लोग गांडे विधानसभा क्षेत्र की कार्यकर्ता बेंगाबाद गांडे तमाम जितने कार्यकर्ता हैं उनके स्वागत की तैयारी में आए हुए हैं। यहाँ उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद मिड डे मील कर्णपुरा में हम लोग के साथ संवाद करेंगे कल, और उसके बाद कल बगोदर में उनका आम सभा होगा और हम लोग अच्छे ढंग से चुनाव लड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा वोट लाकर श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को विजय बनाएंगे। तो जी ब्रह्मज, बताइएगा स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? हमारे सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार को रखा है। मैं कहना चाहूँगा मोदी जी का 9 साल बेमिसाल है और ये भारत में इतिहास में ऐसे प्रधानमंत्री पहली बार हम लोग को मिला है, जो अपने देश में तो सम्मान तो मिलता ही है लेकिन विदेशों में जो इनको सम्मान है और जो भारतवासी विदेशों में जो बसे हैं जहाँ भी जाते हैं बड़े उत्साह के साथ उन्हें स्वागत करते हैं, उनके विचारों को रखते हैं और बेहतर के लोगों से मिलते हैं। हमारा देश का मान सम्मान काफी ऊंचा बड़ा है और जो देश में 9 साल में जो प्रगति किया है वो अभूतपूर्व है और ये 1 महीने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, जो लोगों के घर में जाकर के 9 साल में जो उपलब्धियां हासिल किया है उनके बारे में लोगों को बताना है और इस बीच में 2-3 उपलब्धियां बेमिसाल है। अभी देगर एयरपोर्ट देखेंगे जो दिल्ली से 2-3 घंटे में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। दूसरा है कि एम्स का निर्माण भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने किया है और गिरिडीह का सचिवालय देखेंगे या सभी प्रखंड में आपका प्रखंड मुख्यालय में देखेंगे ऐसे सभा कक्ष को बनाया गया है, ऐसे बिल्डिंग को बनाया गया है, ये अभूतपूर्व है। यही जनता के बीच में जाकर के जो मोदी ने 9 साल में काम किया है उनको बताना है, उनका समर्थन लेकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। जय हिंद जय भारत। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको BNB ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें BNB ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।